मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार किसान व बागवानों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है और फल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य में फल केंद्र भी विकसित होंगे। विकल्साएं 28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से निर्मित सेब व फल मंडी सोलन और टर्मिनल मंडी परवाणु का लोकार्पण करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में उच्च घनत्व फल पौधरोपण व सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर बागवानी का क्षेत्रफल बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बागवानों की आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1292 करोड़ रुपए शिवा परियोजना के तहत प्रदेश में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दो चरणों में बागवानी विकास सुनिश्चित किया जाएगा। कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सनवारा के समीप टोल प्लाजा बंद करने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस संबंध में केंद्रीय मंत्री से बात करेंगे। मंडियां अधूरी पड़ी है, कभी किसी को पैसा नहीं है, किसी को 40 लाख की जरूरत है, किसी को 50 लाख की जरूरत है। हमने फैसला किया कि जितनी भी अधूरी सब्जी मंडियां हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जो हमने टारगेट रखा था 1 अगस्त का, उसमें सोलन की सब्जी मंडी और परमाणु की सब्जी मंडी की जो भी जरूरतें थी उनको हमने पूरा कर दिया। और आज उनका हमने उद्घाटन सब्जी मंडी सोलन का किया। जिस तरह की रोड की हालत है, लोग भी परेशान है कि हम किस बात का टोल दें जब रास्ता ठीक नहीं है, सड़क ठीक नहीं। बात आपने ध्यान में लगाई, मैंने खुद की तो बात कर दी, वहाँ तो हटा दिया। अब इस दृष्टिकोण से मैं जब आप जाऊँगा तो बात करूँगा।